नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गया में शेरघाटी एकता मंच की ओर से प्रखंड क्षेत्र के घाघर और घघरी गांव में दर्जनों गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। शेरघाटी एकता मंच के संयोजक आवीद इमाम ने बताया कि क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के घघरी और घाघर गाँव में खपड़ैल और फूस के घरों में रह रहे लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अंशु मांझी। अंशु मांझी, कहाँ घर हुआ? यही घर। कंबल वितरण हुआ आज? इससे पहले कोई दिया आपको कंबल? कोई नहीं दिया सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। सिया देवी। सिया देवी, कहाँ घर हुआ? घाघर। घाघर, इसी में रहते हैं? इसी में रहती हैं। अच्छा अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ बटा उटा है आप लोगों को? नहीं। कितना लड़का ना आपको? हमरा लंगड़ा तीन बेटा हथे। अच्छा, तीनों? एगो लंगड़ हो और दुगो सो जाते। अच्छा अच्छा, कोई देख रेख करा हो? कोई देख रेख करता आपका? तो वो है छोटका दे नहीं हो। ओ, कैसा लगा आपको कंबल मिला तो और राशन जो दिया गया? टिकरे में रहा है। हाँ। खबर वैशाली चले गए भगवानपुर से है, जहां अपराधियों ने एक बार फिर अपने बढ़े हुए मनोबल का परिचय देते हुए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मी के साथ सरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया है। दो बाइक पर सवार अपराधियों ने कर्मी के बाइक के साथ उनका पर्स भी लूट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद भगवानपुर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मोटरसाइकिल से यहाँ से मिठाई लेकर निकले, पीछे से आए हैं, आगे से मोटरसाइकिल खड़ा किया है, पीछे से खड़ा किया है, दोनों मोटरसाइकिल पर से दो खड़ा हुआ है, वो निकाला जेब में से, बोला लाओ लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, बोले पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ है नहीं है, देख लो। फिर उतर गया, जेब में से पर्स निकाला, बोले तू पर्स दे दो, पैसा जो है निकाल लो। उसका पर्स छीन लिया, एक जा रहा था, फिर दूसरा बोला नहीं नहीं चाबी लो चाबी लो, इसे जबरदस्ती उतार के चाबी मोटरसाइकिल लेके। मसौढ़ी पीएचसी में बूस्टर डोज देने की तैयारी शुरू हो गई है। वैक्सीन का दूसरा डोज देने के बाद अब सरकार के द्वारा पूरे बिहार में कल से लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है। बूस्टर डोज के बारे में पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने बताया कि कल से मसौढ़ी पीएचसी में भी बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को यह डोज दिया जाएगा। बूस्टर डोज के बारे में उन्होंने कहा कि यह डोज लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। सर, कोरोना वैक्सीन का दो डोज पड़ चुका है, सुनने में आ रहा है एक बूस्टर डोज दिया जाएगा, आखिर बूस्टर डोज है क्या सर? देखिए, अभी हम लोग तो सभी लोग हम लोग बिहार में भी वैक्सीनेशन डोज सेकंड डोज तक का तो 90% के अबाउट में हो गया, 90% ही हो गया है। तो अब बूस्टर डोज है कि तीसरा डोज देने का, कि उसका प्रोटेक्शन जो जिसका गैपिंग 9 महीना हो गया, जैसे हम लोग सेकंड डोज लिए हुए 9 महीना हो गया, तो हम लोग को थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए जिसका भी 9 महीना हो गया उसको बूस्टर डोज दिया जाए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा सर? फायदा हुआ कि उसका जो भी टाइटर है, एंटीबॉडी टाइटर, प्रोटेक्शन लेवल जो एंटीबॉडी टाइटर जिससे हम लोग एसेस करते हैं, तो जिसका डाउन हुआ होगा वो उसका बढ़ेगा, तो उसको प्रोटेक्शन है। दूसरा डोज लेने के बाद लोग पॉजिटिव क्यों हो जा रहे हैं सर? तो यही है ना कि इसका जो पीरियड है, कि इसे आपको पता है ना कि जिस सेकंड डोज के बाद 9 महीना का जो निर्धारण किया गया, तो एंटीबॉडी टाइटर इसका धीरे धीरे घटता है, तो उसका प्रोटेक्शन लेवल कम गया, तो एक्सपोजर तो हो जा रहा है, तो हो तो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनसे तो अच्छे जरूर हैं, इसलिए कि उनको सिम्टम्स रहता है लेकिन कुछ होता नहीं है, तो प्रोटेक्शन अब उससे भी और है कि उनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो। और बात अररिया की कर लेते हैं। शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है और शराब बेची जा रही है। सूबे में ना तो शराब पीने वालों की कमी है और ना बेचने वालों की। ताजा घटना में अररिया में पुलिस ने 315 लीटर विदेशी शराब के साथ एक वाहन को जब्त किया है, जबकि तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र की है। द्वारा सूचना मिली थी थाना अध्यक्ष रानीगंज एवं अन्य थाना को भी रात को लगाया गया था कि कुछ शराब तस्कर है जो कि शराब के खेप को लेके जाना है, जिसमें 2-3 गाड़ी के बारे में सूचना मिली थी। उसको सत्यापन करने के बाद
टीम लगी हुई थी, कुहासा था, गहरा कुहासा था, और जो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो एंटी लीकर टास्क फोर्स बना है वो भी लगा हुआ था, ALTF की भी टीम थी और SHO रानीगंज भी थे, जब काफी मतलब सक्रिय रहे पिछले बार में भी, तो दिदवास के पास बेंच उच लगा के उसको रोकने का, इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन बेंच को भी तोड़ के गाड़ी भाग गई। उसके बाद पीछा करते हुए उस गाड़ी को दबोचा गया, अपराधी अंधेरे का लाभ और कुहासा से भाग गया है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को पता चल गया है कि कौन था, और WB797121 एक गाड़ी बलोरो बरामद हुई है, जिसमें कि हमको कुल विभिन्न ब्रांड का विस्की इंपीरियल ब्लू और अन्य बरामद हुआ, जिसमें दो व्यक्ति पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त बनाया जा रहा है जो गाड़ी से भागे थे, और वो शराब तस्कर हैं भोगेंद्र राय और असलम, और 315 लीटर शराब की बरामदगी भी हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सासाराम में जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता मार्च निकाली गई। इस जागरूकता मार्च का नेतृत्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने किया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावे पुलिसकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस जागरूकता मार्च के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। आपस में 2 गज की दूरी बना के रखें, राज्य सरकार के निर्देश पे जिला प्रशासन के सहयोग से आज ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जो कि राज्य में चाहे जिला में कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग आज इस रैली या जागरूकता के मामले से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, जरूरत हो तो जाए तो मास्क का जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। इसी उद्देश्य से ये सोशल पुलिसिंग की जगह जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग लगभग धावा टहल पूरे जिला में चल रहा है, सभी जगह पे 5-6 जगह पे फाइन हो रहे हैं आज के दिन में, लोगों को जागरूक किया जा रहा है आप लोग के माध्यम से, ये कि जिला में जो कोरोना के संक्रमण मामले हैं उनको कम से कम हम लोग प्रसार को रोकने हैं, तो ये जागरूकता रैली है। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसाठ में गोपाल ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के पीछे से ग्रिल को तोड़कर और दीवार काटकर लाखों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली गई। इधर मामले की जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। रात को कितने तारीख है? रात में आज क्या तारीख है? 10 तारीख है ना? 8 तारीख की रात में। 8 तारीख का सुबह में आपको जानकारी मिली? सुबह में जानकारी। क्षति कितना का हुआ होगा? लगभग 4-5 लाख। 12 बजे के बाद खाना फोन किया आपको? रात एक 12 बजे फोन किया। प्रशासन आया था? जी नहीं, प्रशासन तो अभी आया। भागलपुर के नवगछिया में खैरपुर कदवा पंचायत अंतर्गत विभिन्न वार्डों में निर्वाचित वार्ड सदस्यों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के आदेशों को ताक पर रखकर खुलेआम उसकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं, जहां वार्ड सदस्यों द्वारा मनमाने तरीके से वार्ड सभा किए बिना ही निजी लोगों के दरवाजे पर बैठा कर वार्ड सचिवों का गठन कर लिया गया है, जबकि जिला राज पंचायत पदाधिकारियों के गाइडलाइनों में स्पष्ट निर्देश है कि वार्ड सभा की बैठक संबंधित वार्ड में अवस्थित पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर ही होने की बात कही गई है। नागरा पंचायत, खागरा पंचायत, जैसे आपने बताया कि यमुना पंचायत के भी एप्लीकेशन दिया है कि बिना सूचना दिए पब्लिक प्लेस पे किए बगैर निजी प्लेस पे इस प्रकार के कार्य किया जा रहा है, जो कि अनियमितता है, गाइडलाइन के खिलाफ है। इस स्तर से जो भी मेरे पास एप्लीकेशन आया है जांच के लिए दिया गया है, जैसे ही जाँच आता है उससे आगे हम एक्शन लेंगे, और साथ ही स्पष्टीकरण का जो प्रतिलिपि है प्रखंड स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी और DDC मैम को भेज दिया गया है। क्या समस्या है वहाँ का? समस्या यही है सर कि हम लोग जो सचिव का गठन करने जा रहे थे उसमें यही हुआ, अपना मनमानी तरीके से वो लोग किया। कौन?
वार्ड सदस्य। कौन है? सीताराम मंडल। कहाँ का? वार्ड नंबर 1 का, खैरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1। प्रखंड? प्रखंड नंबर 6। क्या मामला, कब ये गठन हुआ है? ये हुआ था 6 तारीख के से। क्या हुआ था? सचिव का गठन हुआ था। कैसे हुआ? उसमें से जो 3 कैंडिडेट थे, तीनों कैंडिडेट को, 2 कैंडिडेट को नहीं पूछ कर अवैध तरीके से जाके किसी के दरवाजे पर जाके ये लोग किया। सीतामढ़ी जिले के सुपी प्रखंड क्षेत्र के मनियारी वार्ड नंबर 6 में बंद पड़े नल जल योजना को मनियारी पंचायत के पूर्व मुखिया सप्रमुख पति नागेंद्र राय के प्रयास से चालू कराया गया है। वहीं स्थानीय लोग नल जल बंद होने के कारण दूषित पानी पीने को विवश थे, जिस पर प्रमुख पति नागेंद्र राय ने संज्ञान लेते हुए अपने निजी कोष से नल जल योजना चालू करवाया। वही मधुबनी में भी कोरोना काफी तीव्रता के साथ फैल रही है। बेनीपट्टी में पिछले 2 दिनों में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें बेनीपट्टी थाना और सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिस के 6 पुलिसकर्मी, बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के 1 कर्मी भी शामिल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन आम जन इसे मजाक में लेकर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।